विधानसभा चुनाव के हलचल के बीच सियासत की गढ़ इंदौर की सभी विधानसभा सीटों से बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जहां विधानसभा दो से बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदोला ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया, जहां रमेश मेंदोला ने सनातन के दुश्मनों को सबक सिखाने की अपील जनता से की। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदोला ने दाखिल किया नामांकन। पिता से आशीर्वाद लेकर दादा दयालु ने दाखिल किया नामांकन। मेंदोला की जनता से अपील, सनातन के दुश्मनों को सबक सिखाएं। नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले दादा दयालु यानी कि बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदोला ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया। इसके बाद दादा दयालु ने खजराना गणेश मंदिर पहुंचकर भगवान गणपति का पूजन अर्चन किया। यहां से मेंदोला कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर ऑफिस के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मेंदोला के साथ MIC मेंबर जीतू यादव, महामंत्री सुधीर कोल्हे, सभापति मुन्ना लाल यादव समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रमेश मेंदोला ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए सनातन के दुश्मनों को सबक सिखाने की बात कही। हम ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, हमने विकास किया और विकास करेंगे, इसे बात को लेकर हम ये चुनाव लड़ेंगे। सनातन के जो दुश्मन हैं उनको भी इस चुनाव में सबक सिखाने का हम जनता से अनुरोध करेंगे। कांग्रेस तो कहीं है नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कांग्रेस कहीं मध्य प्रदेश में है। हाँ, वो अंतिम अपना जो कुछ बचाने का प्रयास करें पर उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सरकार को लोगों ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के विकास को लोगों ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे मध्य प्रदेश की जनता और बहुत भरपूर आशीर्वाद सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा दो से बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदोला ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया, जहां मेंदोला ने सनातन के दुश्मनों को सबक सिखाने की अपील जनता से की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।